क्या व्लॉग बनाऊं? उसको बात तो हो गई था। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भूल जाता है क्योंकि ज़्यादातर मॉर्निंग में ऊपर आते हैं ना, इसलिए। ये सुबह तीन वीडियोस बनाई मैंने रेड और तीनों शेड्स भी। मौसम फिर से ख़राब हो गया है। अभी एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई थी, ये सारी गीली है। तो इधर आ, कोई चीज़ दो, इधर आ जा। वही बिल्लू। हाँ जी, अच्छा जी, बारिश आ गई फिर से। अच्छे भले ये टेक्सचर ना, नीचे से ड्राई थे, अब नीचे नीचे से फिर गीले हो गए हैं। ये जो है ना, ये कंक्रीट, ये भी ड्राई थी, फिर भी बीच में से सारी गीली हो गई है। ये येलो स्टोन क्रश के भी कुछ शेप्स गीली हो गई हैं, कुछ बच गई हैं। ये ब्लैक स्टोन क्रश की भी सुबह मैं अच्छी वाली वीडियो बनाने लगी थी, मैंने कहा सारे ड्राई हैं, लेकिन मैं थक गई थी। मैंने चार पांच वीडियोस रिकॉर्ड की थी तो मैं थक गई थी, तो मैंने कहा छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। बारिश आ गई, उसने सारा काम ख़राब कर दिया। और ये सैंडमेंट, ये भी पूरा फुल ड्राई था, फिर गीला हो गया सारा। ये है हमारे दुख। और इधर क्लेप और शेप्स थी, लो जी माशाल्लाह, ये भी सारी गीली हैं। फटी, उसके ऊपर शीट डाली है तो गीली तो होनी थी। और ये जो मैं सुबह वीडियोस रिकॉर्ड करके गई थी ना, कुछ उनकी शेप्स बन रही हैं। क्या क्या दूं? उस दिन ना मैंने ये जो जग्स है ना, ये 1 2 3 4, ये मैंने व्लॉग में क्रमलिंग करने के लिए रखे थे। बाकी आपको लग रहा है ना शेप्स, बाकी अलग ये चंक्स बने थे कुछ। हाँ जी, क्या रख दो, जैसे मर्जी, उल्टी टिकनी नहीं है, ऊपर वाले हिस्सा सॉफ्ट होता है, सीधी रखो। तो ये 4 जग्स मैंने रखे थे कि मैं ना करती हूँ। ये आइसक्रीम वाला आज जा ही नहीं रहा, तूने मेरे सामने नाम लिया, मंगा के नहीं ली, और ना ये जा रहा है। तो ये जग थे क्रमलिंग करने के लिए रखे थे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं कल आई नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो कल मैं नहीं आई। कल मैंने कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की। ये तीन टेक्सचर बनाने वाले थे, तीन नहीं सॉरी, ये चार पांच, ये जो लाइन में नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये मेरे बहन भाई आके बना के गए थे, मैं नहीं आई थी ऊपर। सुबह में आई थी आज, कल नहीं आई थी। सुबह मैंने फिर उसके बदले में 5 वीडियोज रिकॉर्ड की, 1 2 3 सैंडमेंट 4 और प्योर सैंड 5। ये सीमेंट जो है ना, ये रीयूज्ड, ये भी मैं करने लगी थी, ब्लैक स्टोन क्रश भी करने लगी थी और ग्रिटी सैंडमेंट भी, लेकिन उस टाइम मैं थक गई थी। और सुबह को टाइम बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, गैस चल जाती है, इसलिए फिर मैं नीचे भी चली गई थी। मैंने कहा बाकी कल कर लूँगी, वो चार की चार जो मैंने सुबह करनी है ना, वो सारी बारिश में गीली हो गई हैं। धूप में बारिश हो रही थी, अब तो फिर मौसम ख़राब है ना, बादल है, उस टाइम धूप में इतनी तेज़ बारिश हुई हो रही थी। सुबह मैंने इस टेक्सचर के भी 2 शेप्स रखी थी क्रमलिंग करने के लिए, वो कहाँ गई हैं? वही तुम बदतमीज, साइड पे पड़ी है, नहीं देनी थी। मैंने सैंडमेंट की भी रखी थी शेप ब्लॉक के लिए, ये मैंने करंची प्योर सीमेंट की ना, उस दिन की 4 रखी हैं, लेकिन मैंने बताया ना मैं कल नहीं आई तो मैंने नहीं की। सुबह मैंने कहा मैं इसको करके अगर यहाँ छोड़ जाऊँगी तो ये मुझे ही गालियाँ देंगे कि इधर गंदा आके खुद नीचे चली गई है, क्योंकि फिर कवर करना पड़ता है, बिल्ली जो है ना नहीं माफ़ करती ज़मीन पर। इसलिए भी मैं ब्लॉग में ना क्रम्बलिंग नहीं करती, जब मेरे लिए ईजी होता ना तब कर देती हूँ। आए हाय हाय, क्या हवा चल रही है, मज़ेदार, पर बारिश ना आए। मैं तो बस यही दुआएं करती रहती हूँ, अल्लाह ताला की हवा चलती रहे, मौसम सही रहे, बस बारिश ना आए, बस बारिश ना आए। बारिश हमारा बहुत बड़ा दुख है। तू तो अपना काला मुंह बांध रख, मुझे भी पता आएगी ना, हूँ सतना भला। हवा चल रही है, मुझे सारी बड़ी कपता रही हो, बारिश आ गई है, तुम्हें नहीं पता बारिश आई है?
तो बस अब सुबह देखेंगे कहीं कोई वीडियो रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने सुबह भी रिकॉर्ड करनी थी ना वो सारी गीली हो गई हैं, 1 2 3 4 4 ही गीली हो गई हैं। लेट्स सी, अल्लाह करे कि रात को बारिश ना आए, नहीं तो कल का काम फिर से यू नो इसको कहते हैं ना ठप वो हो जाना है। और आगे ईद आ रही है, आज है संडे, कितने दिन रह गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, 3 दिन है। हम ईद पे वाले दिन भी काम करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि कोई वीडियो रिकॉर्ड है ही नहीं, महीना हो गया, बारिश ने जो दुखी किया है ना मुझे, जून से नहीं 24 मई से ऐसा काम मेरा डिस्टर्ब हुआ ना कि अब वापस जाए ना स्टेबल हो ही नहीं रहा, नज़र ही लग गई है। नहीं तो मैं अपने पास वीडियोस एडवांस में सेव रखती थी, और अब मेरे पास पूरी करने के लिए नहीं होती, कहाँ दिन में मैं 4-4 वीडियोस अपलोड कर रही थी, और अब कहाँ मुझे 3-3 करनी पड़ रही हैं। बिल्लू कहाँ है, छुपा है, चा पारो छुप के बैठता है, बेचारे को मार पड़ जाती है ना, इसलिए जुल्म। किसी ने मुझे कहा रोज़ व्लॉग किया करें, बड़ा मज़ा आता आपका व्लॉग देखने का, अब रोज़ व्लॉग में मैं क्या बोलूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता, या तो ना कि मैं क्रम्बलिंग कर रही हूँ तो फिर समझ आता है, रोज़ बना लूँ मैं क्रम्बलिंग करके टेक्स्चर बाद में वो थोड़ा टेक्स्चर सेव कहाँ करूँ, मुझे ये नहीं समझ आती। अगर मैं उसे किसी छोटी शेप में डाल के रख देती हूँ ना, तो छोटी शेप में भी बिल्ली अपनी कोई ना कोई कार्रवाई कर जाती है, मुझे शेप में रखना भी नहीं रास आता, तो मैं कहाँ चली जाऊँ, काफ़ी अंधेरा हो गया, पता नहीं क्यों फ़ोन में कैप्चर नहीं होता, वैसे बादल काले हैं, थोड़े जो ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट आ रहे हैं ना उससे आपको अंदाज़ा होगा, इस तरह ज़्यादा ब्लैक है। अब थोड़ा फील हो रहा है कि नज़र आ रहा है, परिंदे भी मौज कर रहे हैं, मस्तियाँ। बस बाकी टेक्सचर इन्होंने बना लिए, जो शेप मैंने रखी थी वो भी इन्होंने तोड़ फोड़ के वापस बीज में डाल दिए हैं। अभी इसको वापस इसके ऊपर शिफ्ट किया है कि बारिश में बच जाए। मैं जब उस ऊपर चिट्टे नेल्स लेके आती हूँ जब आती हूँ, और जब वापस जाती हूँ उनका बेड़ा गर्क हुआ होता है। लो जी बिल्लू का रेस्ट शुरू हो गया। ए पारो एक अके प्यारे, वही सोने वही पारे, ये मानो है हमारी, ये छोटी सी जान है हमारी, ये छोटा सा बिल्लू है, जानी जिगर है ना, थक जाता है तू, थक जाता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो ठंडी ज़मीन देख के वहाँ ही लेट जाता है, जहाँ ज़मीन ठंडी होती है वहाँ ही लेट जाता है। आए और अंधेरा हो गया, और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ना वैसे वैसे दिल को कुछ हो रहा है इस तरह और ब्लैक हो गया। मैं खुद वाटर प्रूफ शीट बन जाऊं, इस तरफ और ब्लैक हो रहा है, बस बारिश ना आए, ऐसी मौसम जो है ना वापस से स्टेबल हो जाए। बिल्लू दुआ कर ना, ओए दुआ कर तू जल्दी से, बोटियां लाल कर मारी, बोटियां लाल कर, दुआ कर बारिश ना आए, ऐसे लग रहा है रात हो गई है, और ब्लैक होता जा रहा है इधर से सारा, ना ये तबाही फिर जानी है सारी। अल्लाह जी रहम रहम रहम, आगे से ईद आ रही है अब मैं क्या बोलूं, क्रम्बलिंग करने के लिए भी नहीं है, और यहाँ मैं कोई कचरा भी नहीं कर सकती क्योंकि मौसम पहले ही खराब है। इसमें रेत किसने डाल दिया है, ये तेरे काम है ना मोटो, इसमें सैंड तूने डाली है क्यों, नीचे पड़ी थी, इसका क्या मतलब है, बीज डाल दो। हाँ अरे और काला हो गया है, हाँ नहीं होगा, तुम इसको ऐसे ही रख दो,
बारिश आनी है तो खुद ही पानी चला जाना। ओ बेदर्द यार बेदर्द ओ बेदर्द सारा ही ब्लैक हो गया जो पहले वाइट था ना वो भी ब्लैक हो गया। पहले इधर कम था अब और हो गया और हम दुआ भी नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा। ये भी नहीं कह सकते कि मौसम ठंडा ना हो पर ये भी नहीं कह सकते कि बारिश आए है ना काके प्यारे है ना क्योंकि अब ये तो ना कह सकते बारिश ना आए सिर्फ अपने ही काम की वजह से। कहाँ देख रहा है आई थिंक बादल जा रहे हैं अभी मुझे उधर को तोड़ के जा जाते जाते भी इन्होंने जाते जाते भी तबाही फेर देनी है और देख अंधेरा हो गया पर हवा बहुत ठंडी है। चलो फिर शीटे डालो मुझे बस तुम लोगों ने व्लॉग बनाने के लिए बुलाया था हटो उधर ओ बेहतर दिया आज बेहतर दिया। चलो फिर जाओ नीचे बाय 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 बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी अगला बट्टा मोनी उठाए जाने के लिए पॉट शेप मुझे दुख लगा है मैंने इतनी मुश्किल बनाई थी उठाने लगी वो उठनी नहीं है उठाने क्या लगी हूँ वो उठनी नहीं टूट जानी है तुम उठाओ जरा मैं फिर बताती हूँ। तो भी आ सब लोग छतों पे आ गए हैं अंकल्स मुंडेज बांदर्स सुंडिया बाय 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 क्या डालूं अब सही पता चल रहा कि अंधेरा हो गया थोड़ा बस सही पता चल रहा बारिश आ रही है बारिश आ गई है वाकई आ गई है फुल अंधेरा हो गया अब पहले कैमरे में नजर नहीं आ रहा था अब नजर आ रहा है और टाइम है अभी असर का असर के भी अजान हुई है और अंधेरा हो भी गया है इधर ही रखी थी देखो उधर गिर गई हो बाय 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 बाय।